सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज्य हैं इतना जितना गंगा माँ का पानी। नमस्कार, आज मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे गांधी जी पर बोलने का अवसर मिला। गांधी जी से मैंने क्या सीखा? मुझे एक गीत याद आता है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बचपन से मैंने गांधी जी के बारे में ये सबसे ज़्यादा सुना था कि वे एक संत प्रकृति के व्यक्ति थे, एक व्यक्ति जो बंदूक और जूतों की ठक ठक सुनता हो, कंपनी को सलाम ठोकने वाले लोग देखता हो, और वह अपने आत्मबल से निशंक निडर उनके बीच जाके उनसे बात करे, और वह अपना सबसे बड़ा हथियार अहिंसा को बनाए, तो मुझे लगता है ये कोई साधारण बात नहीं है। मुझे गांधी जी से ये आत्मबल की शक्ति सीखने की ललक हुई। और सत्य के प्रयोग तो हम सब जानते ही हैं कि उनके कितने लोकप्रिय हुए हैं। गांधी जी के सर्वोदय के सिद्धांत मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सर्वोदय के सिद्धांतों को इस प्रकार समझाऊँ, सबकी भलाई में हमारी भलाई निहित है, आजीविका का अधिकार सबको एक समान है, सादा मेहनत मजदूरी का किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है। मैंने गांधी जी के बारे में कहीं पढ़ा कि गांधी जी ब्रह्म ज्ञान के जानकार थे और सभी प्रमुख धर्मों को विस्तार से पढ़ते थे। सबके लोकप्रिय जनप्रिय बापू का मानना था कि प्रत्येक धर्म के मूल में सत्य और प्रेम होता है। साथ ही उनका कहना था कि ब्रह्मांड में हो रही प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय व्यवहार के पारस्परिक संबंध में उनका जीवंत विश्वास है, और उस विश्वास के कारण वे ईश्वर के अधिकाधिक निकट आते गए। उन्होंने स्वीकार किया है कि इससे मुझमें विनम्रता आई है और मैं अपने ईश्वर के सम्मुख उपस्थित होने के लिए अधिकाधिक तैयार होता गया हूँ। मुझे लगता है ये बहुत बहुत बड़ी बात है, एक व्यक्ति के विराट व्यक्तित्व बनने की, उसके अपने भीतर उतरने की। गांधी जी को इसलिए मैं बहुत एडमायर करती हूँ। अगर आप सत्य के प्रयोग आत्मकथा उनकी पढ़ें तो उसमें उन्होंने अपनी गलतियों को और स्वयं पर प्रयोग करते हुए अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। उन्होंने सत्य को ही भगवान माना और उनके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई डर पर विजय पाना है। तो जो गांधी जी का आत्मबल है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। गांधी जी कहते हैं, जब संदेह मुझे घेर लेता है, जब निराशा मेरे सम्मुख आ खड़ी होती है, जब क्षितिज पर प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती, तब मैं भगवद गीता की शरण में जाता हूँ और उसका कोई ना कोई श्लोक मुझे सांत्वना दे जाता है, और मैं घोर विषाद के बीच भी तुरंत मुस्कुराने लगता हूँ। मेरे जीवन में अनेक भय त्रासदियाँ घटी हैं, और यदि उन्होंने मेरे ऊपर कोई प्रत्यक्ष या अमिट प्रभाव नहीं छोड़ा है तो मैं इसका श्रेय भगवद गीता के उपदेशों को देता हूँ। गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभाओं में अक्सर कहा, कोई मनुष्य असत्यवादी, क्रूर या असंयमी हो और वह यह दावा करे कि परमेश्वर उसके साथ है, यह कभी हो ही नहीं सकता। गांधी जी का प्रार्थना पर अमिट विश्वास था। मैंने साबरमती में उनका आश्रम देखा है, वहाँ चरखा जो है वो मुझे अक्सर ये लगता है
कि वो जो चरखा था वो सिर्फ एक भय प्रतीक ही नहीं था, गांधी जी का स्वाभिमान था, वो स्वावलंबन की उन्होंने उस चरखे के माध्यम से भारतीय जनता को उसकी राह दिखाई। वचन और कर्म से सरलता के ताने बाने में उन्होंने अपनी एक उज्जवल छवि बुनी जो आज भी लाखों करोड़ों भारतीयों के हृदय में है। ऐसे थे हमारे बापू। धन्यवाद।